लो, आ गई जिनका तुम्हें इंतजार था। क्या हुआ अतर? ठंडे जूस से गला पकड़ लिया? नहीं, मना किया था ना आपको। ज्यादा मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपने जरूरी काम छोड़ के तुम दोनों का मसला हल करने के लिए आए, और तुम दोनों एक दूसरे में मगन हो, हद होती है यार। Exactly. टाइम भी हमारा वेस्ट हो और दिमाग भी हमारा खर्च हो तुम लोगों को मशवरे देने के लिए, और इंसल्ट भी हमारी हो। तुम लोग तो बहुत सस्ते में छूट गए। ऐसा तो मत कहो, हर बार बिल मैं ही देता हूँ। अब कम से कम जेब तो मेरी इस्तेमाल हो रही है ना। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों तो इंडिपेंडेंट हो, किसी को जवाब दे नहीं हो, लेकिन हम दोनों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपने घर में। हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते फोन पर, मिलते भी हैं तो तुम लोगों के साथ मिलते। और वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के मुश्किल वक्त में काम ना आए। ये बात लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार है, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। वैसे ब्रेन वॉशिंग करने वाला ना कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। न्यूट्रल इंसान? न्यूट्रल बंदा कौन हो सकता? बंदा नहीं, मगर बंदी तो है मेरी नजर में। बंदी? नो वे, मैं जा रही हूं मुझे। अरे तुम बैठो, तुम्हारी बात नहीं कर। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं मुराद बात कर रहा हूँ। वहीद मुराद? मैं शमीमा आरा बोल रही हूँ। अब शमीमा आंटी, मैं चौधरी मुराद बात कर रहा हूँ, रजिया सुल्ताना का बेटा। वो आपसे जरूरी काम था एक। कौन सा काम? कैसा काम? थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अगर मिलके बात कर ले तो?
आप भी खेलें। अब 3 महीने तक फैसल अपनी सैलरी से रकम कटवाते रहेंगे। हाये तुम लोगों का बड़ा ही एहसान, तुम लोग ना होते तो हमारा क्या बनता। अल्लाह ताला तुम लोगों की जिंदगी करे, तुम लोगों को तरक्की दे। अल्लाह करे शौकत भाई का काम चल जाए ताकि रोज रोज की टेंशन खत्म। आमीन। अम्मी ने तो साफ जवाब दे दिया था, कह रही थी मुराद का हाथ तंग है। मुझे पता मुराद का इनकार नहीं करता, लेकिन अम्मी का पता ही है ना कैसे माथे पे आंखें रख लेती है खुद का रस बन के। अभी हो सकता है अम्मी सच्ची कह रही है। आजकल तनख्वाह कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, कहाँ गुजारा होता है इतनी महंगाई के दौर में। वो तो अल्लाह भला करे फैसल की बॉस का जो उन्होंने हमारी एडवांस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, वरना हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। आपके एक बात पूछूं, ये फैसल की बॉस बड़ी अमीर औरत है क्या? जाहिर है आप, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद पूरी कंपनी की मालकिन बन गई है, तो अच्छी खासी अमीर हूँ। हाँ भाई, पैसा आ जाए ना तो औरत बहुत हिम्मत वाली हो जाती, बड़ी से बड़ी सल्तनत संभाल लेती। खानत कैसे मरा था उसका? बीमार था मेरा ख्याल है, फिर बूढ़ा भी तो हो गया था ना, तो बस फिर तो बुढ़िया भी मरने वाली होगी। बच्चे हैं? पता नहीं आपकी उम्र कितनी होगी उस। अल्लाह आपी मुझे क्या पता, चाय बना के लाती। वैसे फैसल वो प्रपोजल तैयार हो गया जो आपको कहा था? ओके, मेरे कमरे मिल गई। थैंक यू। इस कदर गर्मी है, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। निगी, ती है मेरे लिए पानी ते मैडम शमीमा रा के लिए शरबत ले आओ एक गिलास। वैसे मैडम शमीमा रा तुम्हें यहाँ नहीं आई, तुम कैसे घर में मुझे लेकर गई हूँ? हैं इतने कंजूस, काली सड़ी हुई चाय हमारे सामने रख दी। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बोतल कोई शरबत ही मंगा देता है, इतनी गर्मी थी। एक हफ्ते में दर्जन भर लड़कियां तुम्हें दिखा चुकी हूँ, कभी लड़की पे एतराज तो कभी उनके घर वालों पे एतराज। किसी का कद छोटा है तो किसी की आंखें छोटी हैं। अच्छा खासा तुम्हारा खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का है, जल्दी शादी कर दो, बाहर लोग 100-100 बातें बना रहे। यही बातें तो तुम समझती नहीं हो मैडम शमीमारा, है लड़की जरा मेरे बेटे की जोड़ की तो हो ना, है कोई साथ कोई उसके फब्बे सज्जे तो सही। समझो तुम, दफ्तर में काम करता है, ऐसी ऐसी मॉडर्न लड़कियों के साथ काम करता है, क्या कहेगा मुझे अम्मी ये क्या ले आई है मेरे लिए बहू। हाँ इतनी लंबी चौड़ी तो फहरिस्त है तुम्हारी, पर से चाहती हो कि बहू ऐसी आए जो बाहर की लड़कियों का मुकाबला कर सके। तुम्हारी मुझे समझ नहीं आई रजिया सुल्ताना। अगर अम्मी मन्नत भाभी इस घर में आ जाती ना तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की, एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। लो मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में? अरे उसे तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से। तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं कराई उसने। हाँ तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था उस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिंदकता है उस लड़की के नाम पर। जो समझ नहीं आ कि मुराद भाई को क्यों नहीं अच्छी लगी मतलब। ऐसे एक बात कहूँ मम्मी आपसे, अगर उस दिन आप मुराद भाई की बात पक्की कर लेती ना तो इतनी सारी ख्वारी नहीं उठानी पड़ती आपको। इतना अच्छा घर था, इतनी अच्छी फैमिली थी, और आप शमीमारा आंटी उसके बाद आपने एक भी अच्छा रिश्ता नहीं दिखाया हमें, क्यों अम्मी? ठीक ही कह रही है निगी,
लगा लेते हैं चक्कर। बात चलाने में क्या कबाहत है? तुम्हारे सामने ही था सब कुछ, कैसे उस वक्त तो नहीं बात आगे बढ़ सकती थी ना? एक बार फिर सोच लो रजिया सुल्ताना। मैंने क्या सोचना है मैडम श्री मारा, मेरी तो सुध बुध ही मारी गई है। बस लड़की मैंने अपनी पसंद से ही लानी है, चाहे अच्छी निकले या बुरी। मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मुझे पोता दे। बस मेरी तरह कहीं लड़कियों की लाइन ही ना लगा दे। मामला देखो पहले बिगड़ा हुआ है, अब उसे सुधारने के लिए फीस डबल लूंगी। बड़ी शोधी है तो मैडम श्री मारा, मैंने कभी तुम्हारे पैसे मारे हैं इससे पहले? डबल की बात कर। गुड वर्क मैम। वैसे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर चुका हूँ, आप काइंडली बस ये रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे ताकि मैं इनको फॉरवर्ड कर दूं। गो अहेड। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, आपने मेरी एडवांस सैलरी प्रोसेस करवा दी। दैट्स ओके, आपकी सर्विस एज अ कंपनी के लिए और मैं उनका रिगार्ड करती हूँ। मेरे लेट हस्बैंड आप पर ट्रस्ट करते थे, इसलिए हमसे जब भी हुआ जो भी हुआ हमने आपको लिया। यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। थैंक यू मैम। मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठी हूँ। हाँ हाँ बताती हूँ, आप इंतजार करें। हाँ तो भैया मैं ये कह रही थी कि देखिए मैं तो बात वही करती हूँ जिसमें सबकी भलाई हो। महज अपनी दुकान चमकानी होती ना तो रिश्ते बहुत, रिश्तों की कमी तो ना मन्नत के लिए है और ना ही चौधरियों के बेटे के लिए। जो कुछ भी हुआ किसी का भी कसूर था, छोड़ दें इन बातों को, भूल जाइए, नए सिरे से बैठ के बात कीजिए। अरे शमी मारा भुला ही तो नहीं पा रहे। और वो लड़के की अम्मा, कितना तीखा मिजाज है उनका, बल्कि तीखा लफ्ज भी मामूली है उनके मिजाज के सामने, जहरीला ज्यादा मुनासिब रहेगा। अब सोचो जो दूसरों के घर में इतनी बदमिजाजी का मुजाहरा करे वो अपने घर वालों और बच्चों के साथ क्या सुलूक करती होंगी। ऐसे भैया लड़का तो अच्छा था। देखिए तालीम, शक्लो सूरत, उम्र, हर लिहाज में मन्नत का जोड़ था। हाँ बस फैमिली थोड़ी बड़ी है। अरे खानदान का क्या करना है, लड़का और लड़की ने जिंदगी गुजारनी है ना, क्यों बड़े भैया? हाँ लड़का भी अच्छा है और खानदान भी शरीफ है। लड़का तो मुराद नहीं, वहीद मुराद है, वहीद मुराद, हीरा है हीरा। देखिए मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते को हाथ से जाने न दे। अब आप लोग अगर राजी हैं तो मैं उन्हें पैगाम दे देती हूँ, आगे अल्लाह की मर्जी। मगर एक बात है कि बस आप लोग एक दफा से बैठ के ना आराम से बात करें। मैं कह रहा था एक बार मन्नत से अगर पूछ लेते तो। उसका जवाब तो सबको पता है, इनकार ही करेगी।
किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, फैसला कर लिया हमने, हम जाएंगे उनके यहाँ। शमी मारा, चौधरियों को पैगाम भेज दो कि जुम्मे को हम उनके यहाँ चाय पीना चाहेंगे। और हाँ, एक बार बताए दे रहे हैं, अगर इस बार कोई बदमजगी हुई तो जिम्मेदार तुम होगी। जी बड़े भैया। जी मैं यहां से फारिग हो गई हूं, आप गाड़ी भेज दें प्लीज। उनका कोई कसूर नहीं था। भाई कसूर तो खैर तुम्हारा भी नहीं था। किसी आलिम से लड़की की भाभी ने पता कराया, उसने सारा हिसाब किताब खोल के रख दिया। कैसा हिसाब किताब? मेरा था कि किसी हासिद दुश्मन ने तावीज करके मन्नत और मुराद के रिश्ते पे बंद बांध दिया है, इसीलिए तो उस दिन इतनी घमसान की जंग छिड़ गई थी। हाँ यकीनन किया होना है किसी ने जादू टूना, और मुझे अंदाजा है कि किसने किया होना है। देख रजिया सुल्ताना, तेरी भी बेटियां हैं और आगे से उनकी भी बेटियां। मन्नत घर आएगी ना तो अपने साथ औलाद नरीना भी लाएगी और घर की खुशियां भी। अरे उसके कदम ना इस घर के मुकद्दर को बदल देंगे। और क्या पता नुदरत और इतरत के यहाँ भी बेटे पैदा होने लगे, तो बेचारियों के आगे पीछे लड़कियां ही हैं। मम्मी आपने उन लोगों को क्यों बुलाया? मैंने आपको कहा है मैं उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऊपर से उसका वो नक चढ़ा भाई, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता वो। अब आ जाएगा वो भी मुंह उठाकर। आखिर किस खुशी में? तुमसे मिलने की खुशी में? और किस खुशी में है? बस मेरे मेहमान है, मैंने बुलाया है, ऐसी वैसी कोई हरकत मत अब कर देना। अम्मी देखे मेरी बात सुने। नहीं सुननी है मैंने तुम्हारी बात, समझ में आई है तुम्हें कि नहीं है? जाओ काम पे जाओ अपने, 4 बजे घर वापस आना है तुमने, 4:30 बजे का वक्त दिया है मैंने मेहमानों को। आते हुए बेकरी से केक पेस्ट्रियां पैटी पिज़्ज़े शीज़े लेकर आना, मैंने उनकी खातिर तवाज़ा में कोई कमी नहीं छोड़नी, हरगिज़ पहली दफा आ रहे हैं। पहली और आखिरी बार। की क्या आई? कुछ नहीं। चलो जाओ अल्लाह की हिफ्ज़ो मान में, तेरा तो मैं कार नहीं आना पुत्र, बंदो बस। अच्छा परफ्यूम, भाभी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, इसे पहली दफा जा रहे हो, अलग-अलग ना हो जाए, संभाल लीजिएगा ठीक है? कुछ भी नहीं होता, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। पहली बार जा रहे हो और इंशाल्लाह बार बार जाएंगे, हमारी मन्नत का ससुराल जो ठहरा। क्या हो रहा है ननद और भावज के बीच में? कुछ नहीं भैया, मैं समझा रही थी इसे कि अभी बात पक्की करने थोड़ी जा रहे हैं, अभी तो बस चाय पे बुलाया उन्होंने, तो बस मिलने जा रहे हैं। और अगर चाय के साथ साथ मिठाई भी रख दी तो? मिठाई रख दी तो वो भी खा लेंगे, हमें कौन सी बनाई है मीठे से, क्यों सभी? जी बड़े भैया। क्या हो गया बिटिया? सभी हम इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम अजीज जुल्म नहीं करेंगे इसमें, अगर इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम उस घर का रुख भी नहीं करेंगे। जी आप फोन करके मना कर दो, हम नहीं आ रहे उनके घर, इसको रोते हुए नहीं देख सकते। बड़े भैया तुम खुश नहीं हो ना इस रिश्ते से? हाँ रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे। ठीक है कुछ देर के लिए दिल पत्थर हो गया था हमारा, जाने क्यों हो गया था? माफ कर दो बिटिया। भाभी भैया मेरी बात सुने प्लीज। किसकी सुने, उसकी सुने या तुम्हारी सुने, अभी तो समझ नहीं आ रही हो हालत देखो। भैया इस वजह से नहीं रो रही वो। किस लिए रो रही? भैया डाइटिंग कर रही है ना, तो आपको पता तो है खाली पेट क्रैंकी हो जाता है इंसान, ऊपर से मिठाई की बात हो रही है तो फिर उसने रोना तो है, शी इज वेरी ड्रामेटिक एज यू नो, तो कुछ खा लो ना यार, मतलब ऐसी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप हमें भी मन तो जान निकाल देती हो, हमारी संभाल है भाई।
आ गया मेरा शहजादा बेटा। सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। मैं तेरे सदके जाऊं मेरा बच्चा, अल्लाह तेरे सेरे के फूल जल्द से जल्द खिलाए। आमीन आमीन। इसे क्या हुआ? वही जो कुर्बानी से पहले हर बकरे को होता है, ज़िबा होने से पहले थोड़ी बहुत मज़ाहमत तो करता ही है। जबरदस्ती कोई लड़की सर पे थोप ही जाएगी तो खुशी से भंगड़े तो डालेगा नहीं वो। ये जो तुम्हारी फजीलत है ना, इसका लहजा और अतवार मुझे समझ नहीं आ रहे। लड़की वालों से जरा दूर रखना है ने। अरे नेकबख्त, फजीलत बड़ी बहन है मुराद की, वो भी गैर शादीशुदा, सारी जिंदगी उसने यहीं रहना है। जबान देखी है उसकी किस कदर कड़वा बोलती है। अगलों की इकलौती बेटी है नाजोपली, वो तो यही सोचेंगे ना कि निगी तो खैर से एक दिन ब्याह के घर चली जाएगी, लेकिन ये गैर शादीशुदा नंद, वो भी इतनी कड़वी बदमिजाज, सारी जिंदगी गैर शादीशुदा नंद बेटी के सर पे सवार रहेगी। अरे हाँ कहते हुए भी थोड़ी देर को सोचेंगे वो लोग। क्या करूं मैडम शमीमारा, मैं उसको छुपा तो नहीं ना सकती हूँ, वैसे भी वो अपने भाई की बहुत लाडली है। अरे भाई एक बार रिश्ता हो जाए फिर जो जी चाहे कर लेना, फिर भले सामने आती रहे, ब्याह के घर तो आ जाए। आखिर को घर बसाना है या नहीं रजिया सुल्ताना? भैया आज जरा मेरा मतलब है हीरे जैसा लड़का है, कोई ऊंच नीच हो जाए तो दरगुजर कर दीजिएगा। घर आसानी से मिल गया आप? हाँ जी बस पूछो ना मेरे दिल से, क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे बेहाल है, उसकी एक झलक मेरी जान उस दिन हमारी पहली मुलाकात कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं थी। देखिए ना आपकी कोई ऐसी इंटेंशन थी ना हमारी, बस हालात ही ऐसे थे कि। अरे बस अब आप ना रहने दे ये बातें, आप बस यूं समझें कि इससे पहले हमारी मुलाकात हुई नहीं, यही हमारी पहली मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, बस एक इम्पोर्टेंट कॉल सुन रहा था मैं। प्लीज बैठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम बिल्कुल ठीक।
वही बरखुरदार उस शोज तो फिर मुलाकात अधूरी ही रही। क्या मसरूफियात होती हैं आपकी फारिग औकात में? अब फारिग वक्त तो होता ही नहीं मेरे पास, बस यही काम वगैरह। नहीं नहीं, माँ की टांगे तो आता है। सर में दर्द हो जाए तो सर भी दबा लेता है, कभी कभी तो माँ की गोदी में सर रख के बस घंटों मीठी मीठी बातें करता रहता है, बहनों को शॉपिंग भी करवाता है। माशाल्लाह से मेरे बेटे की तो सारी जिंदगी ही अपनी माँ बहनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। How sweet. हैरत है, आजकल के नौजवान तो घर में टिकते ही नहीं है, फी जमाना तो हमने ऐसा नहीं देखा। बहुत खूब, बहुत अच्छी तरबियत की आपने अपने लखते जिगर की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भैया, आजकल के बच्चों में तो कोई फैमिली वैल्यूज ही नहीं है, लेकिन हमारी मन्नत बहुत डिफरेंट। बड़ों की इतनी इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, मुझे तो घर का कोई काम ही नहीं करने देती। इस कदर सादतमंद और खिदमत गुजार है हमारी बच्ची के, बस बिल्कुल मुराद की तरह। तो आपका मतमय नजर ये है कि चौधरियों के लड़के बहुत शरीफ नफ्स होते हैं, हालांकि उम्मीद आसुर कुछ और है और हमने तारीखी कुतुब में तो कुछ और ही पढ़ रखा। सही पढ़ रखा है आपने, ये शराफत और नरमी तो अपनी माँ बहन के लिए है, बाहर की दुनिया में तो मेरा बेटा जाट शेर है। बैठी होती दोनों यतीम बच्चियां तुम्हारे सर पर, परेशान हो रही होती तुम। फजीलत बड़ी बहन है मुराद की, वो भी गैर शादीशुदा, सारी जिंदगी उसने यहीं रहना है। जबान देखी उसकी किस कदर कड़वा बोलती है, अगलों की इकलौती बेटी है नाजोपली, वो तो यही सोचेंगे ना कि निगी तो खैर से एक दिन ब्याह के घर चली जाएगी, लेकिन ये गैर शादीशुदा नन वो भी इतनी कड़वी बदमिजाज, सारी जिंदगी बेटी के सर पर सवार रहेगी। अरे हाँ कहते हुए भी थोड़ी देर को सोचेंगे वो लोग। अरे भाई एक बार रिश्ता हो जाए फिर जो जी चाहे कर लेना, फिर भले सामने आती रहे, ब्याह के घर तो आ जाए, आखिर को मुराद का घर बसाना है या नहीं रजिया सुल्ताना?
आप ही? चले आप ही मेहमानों से नहीं मिलना आपने? नहीं। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है? बुरात की किस्मत को खुलने का मौका दे रही हूं। मैं गई ना तो लड़की वालों को एतराज होगा। ये किसने कहा है आपसे? हमने किया एतराज उनके कुमारे खपती बुढ़े भाई पर? मर्द है ना, तऊसत और बोझ का लेबल तो औरत के लिए मखसूस है। तुम जाओ, तुझे नहीं मिल रहा। चले आप रेस्ट। ये आपने हिरन की लाश को चेक किया है? देखने में तो ताजा लग रही है, मगर अल्लाह बख्शे चौधरी साहब ने 16 साल की उम्र में इसको शिकार किया था। शिकार के बहुत शौकीन थे चौधरी साहब, बात बाद में करते थे, बंदूक पहले चला देते थे। माशाल्लाह से मेरा मुराद हूबहू अपने वालिद मोहतरम पर गया है। वही रंग रूप, वही नाक नक्शा, वही दबदबा, अपने सामने किसी की नहीं चलने देता। अपनी माँ के अलावा मजाल है कि किसी की बात सुन जाए? चितकबरी शेर है मेरा बेटा। माशाल्लाह, ये हुई ना बात। बहुत अच्छा लगा आपके बेटे के बारे में सब कुछ सुनकर। हम लड़की वाले हैं और बिलुमूम अच्छा नहीं लगता कि लड़की वाले अपने मुंह से रिश्ते की बात करें, लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते। हम अपनी लाडली बेटी मन्नत के लिए आपके शेर पुत्र, मेरा मतलब बेटे चौधरी मुराद का हाथ मांगते हैं। मुंह तो मीठा करे ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब पहले आप। आप ही कहो ना, नहीं मिलना मेहमानों से और मतलब करते रहते हो। कभी ना कभी तो मिलना पड़ेगा ना, अब वो कोई गैर थोड़ी है। मुराद भाई की बात पक्की हो गई है, ये ले मुंह मीठा करे। आ, बात पक्की इतनी जल्दी? हाँ, अब चले मुंह मीठा करे। आ, अम्मी मुंह मीठा कर ले, मुराद भाई की बात पक्की हो गई है। मुबारक हो। मुबारक हो आप। दया मुबारक हो। मुबारक। उन्हें आपकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों को पार कर भूल गया मैं सब कुछ हमारी जिंदगी में। माँ सब कह जाए, बहुत मुबारक हो तुम्हें।